के शीर्ष टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा ने ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों के नामांकन को लेकर स्पष्टता की कमी को लेकर अखिल भारतीय टेनिस संघ पर जमकर निशाना साधा है। 41 वर्षीय बोपन्ना ने कहा है कि भारत की शीर्ष टेनिस संस्था ने उनकी योग्यता को लेकर उन्हें और पूरे देश को गुमराह किया है। दरअसल रोहन बोपन्ना ने दिव्य शरण के साथ टोक्यो ओलंपिक के लिए कट हासिल करने में विफल रहने के बाद सोमवार को अखिल भारतीय टेनिस संघ पर सभी को गुमराह करने का आरोप लगाया। बोपन्ना ने कहा कि AITA ने सुमित नागल के साथ उनके जोड़ी बनाकर कहा कि क्वालिफिकेशन हासिल करने का मौका है। AITA ने बोपन्ना पर पलटवार करते हुए कहा कि उसने केवल उनकी मदद करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने दम पर क्वालिफाई करने में नाकाम रहे थे। AITA ने सुमित नागल के साथ उनकी जोड़ी बनाकर कहा कि क्वालिफिकेशन हासिल करने का मौका है। AITA ने बोपन्ना पर पलटवार करते हुए कहा कि उसने केवल उनकी मदद करने की कोशिश की क्योंकि वो अपने दम पर क्वालिफाई करने में नाकाम रहे थे। AITA ने टोक्यो खेलों में पुरुष युगल स्पर्धा के लिए पहले बोपन्ना और शरण के नाम की नामांकन की घोषणा की। ये बताया गया कि AITA ने दिव्य शरण का नामांकन वापस लेकर ओलंपिक में पुरुष युगल प्रतियोगिता में बोपन्ना को सुमित नागल के साथ जोड़ा था। AITA ने दोनों की जोड़ी बनाने के बारे में सोचा था क्योंकि नागल पहले ही एकल स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर चुके थे और टोक्यो के लिए बाध्य थे। जैसा कि बोपन्ना ने कहा कि ITF ने बदलाव को स्वीकार नहीं किया। बोपन्ना ने ट्वीट किया, ITF ने कभी भी सुमित नागल और मेरे लिए जोड़ी को स्वीकार नहीं किया। ITF स्पष्ट था कि नामांकन की समय सीमा 22 जून के बाद चोट बीमारी के बिना किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं थी। AITA ने खिलाड़ियों, सरकार, मीडिया और बाकी सभी को ये कहकर गुमराह किया कि हमारे पास अभी भी मौका है। वही सानिया ने ट्वीट में कहा, भारत की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया मिर्जा ने भी AITA की आलोचना की और ट्वीट किया, क्या अगर ये सच है तो ये बिल्कुल हास्यास्पद और शर्मनाक है। इसका मतलब ये भी है कि हमने मिश्रित युगल में पदक के एक अच्छे मौके को गंवा दिया। अगर आप और मैं योजना के अनुसार खेलते तो मौका बन सकता था। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार 16 जुलाई की समय सीमा से कुछ दिन पहले ये जोड़ी विकल्प की सूची में पांचवें स्थान पर थी। नागल ने इसके बाद पुरुष एकल के लिए क्वालिफाई कर दिया। कोविड-19 महामारी के कारण ओलंपिक में टेनिस में युगल मुकाबलों को उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने एकल के लिए क्वालिफाई किया है। AITA ने पुरुष युगल में नागल के साथ बोपन्ना की जोड़ी बना दी। लेटेस्ट अपडेट और हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्क्रिप्ट पास और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं बेल आइकन। और हाँ, आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर बताएं।